वेलकम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने शेफ्ट का डिज़ाइन देखा था और उसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल भी देखा था। तो मेनली हमने ये वाली इक्वेशन लगाई थी, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी कंसीडर करते हुए ये वाली इक्वेशन हमने लगाई थी। ठीक है, टाउ मैक्स की कैलकुलेशन अगर कोई भी फटीग फैक्टर नहीं दे रखा है तब तो हम इस तरीके से करेंगे, 0.5 SBT अपॉन फैक्टर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर अगर फ्लैक्चुएटिंग लोड है तो हम टाउ मैक्स की वैल्यू इस तरीके से करेंगे, यानी अगर इसमें लिखा हुआ है ASME कोड के हिसाब से करना है तो हम टाउ मैक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे जो भी आपकी मिनिमम आएगी। और अगर उसमें शेफ्ट में अगर कीवेज कीवेज का स्लॉट अगर कटा हुआ है तो उसे और 25% रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, दैट वी विल सी इन द न्यूमेरिकल। एंड इन एडिशन टू दिस वी विल एड ए फैक्टर KB एंड KT, वेयर KB इज कम्बाइंड शॉक एंड फटीग फैक्टर अप्लाइड टू द बेंडिंग मोमेंट एंड KT इज कम्बाइंड शॉक एंड फटीग फैक्टर अप्लाइड टू द टॉर्शन मोमेंट। तो हम भी देखेंगे इसे न्यूमेरिकल में जहां भी हम अप्लाई करेंगे। तो इस आई आई होप इस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बता दो। हमने एक ये एक वर्टिकल पुली थी और ये हॉरिजेंटल पुली थी। वर्टिकल पुली के लिए हमने एक अलग से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया और हॉरिजेंटल पुली के लिए हमने एक अलग से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया। दोनों बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का पॉइंट बी और सी पे रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लिया एंड दैट विल बी कंसीडर इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में जो MB की जो वैल्यू है वो हमने इस इक्वेशन में जो MB की वैल्यू है वो रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से ले ली। ठीक है, और टॉर्शन मोमेंट की हमने वैल्यू कैसे निकाली थी, टी इज इक्वल टू P1 माइनस P2। P1 माइनस P2 आर दीज आर द टेंशन इन द पुली P1 एंड P2 इनटू रेडियस एट द बी इज इक्वल टू P3 माइनस P4 इज इनटू रेडियस एट द सी। तो P1 अपॉन P2 की वैल्यू आपको पता है e की पावर μ थीटा। तो इन तीनों इक्वेशन को यूज करते हुए हमने P1 P2 P3 एंड P4 की वैल्यू निकाली थी। P1 प्लस P2 यहाँ पर था, दिस इज P1 प्लस P2, P3 प्लस P4 इज इक्वल टू दिस, दिस इज P3 प्लस P4। ठीक है, तो टेंशन मतलब पुली की वजह से जो टेंशन है उसको समेशन कर दिया, SFD सॉरी SFD नहीं करना है हमें, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया इसी तरीके से वर्टिकल प्लेन और हॉरिजेंटल में दोनों में करके हमने रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया था। ठीक है, नाउ इन दिस क्वेश्चन लेट अस सी इन दिस क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन में, इसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। दो पुली है ए और बी, ठीक है, नहीं दो सॉरी दो पुली नहीं है, दीज आर द बेरिंग, दिस ए एंड बी आर द बेरिंग्स एंड दिस दीज आर द पुली, ये दोनों पुलीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लोड हो जाएगा एट द पॉइंट वन क्या हो जाएगा, एट द पॉइंट वन लोड कितना हो जाएगा, P1 प्लस P2 पॉइंट वन पे हो जाएगा P1 प्लस P2। अच्छा एक न्यूमेरिकल एक बार पढ़ लेते हैं, ये द शेफ्ट कैरिंग टू पुली एट 1 एंड 2, यानी पॉइंट वन और टू पे दो पुलीज हैं। ठीक है, सपोर्टेड ऑन द टू बेरिंग ए एंड बी, ए और बी पे सपोर्टेड है। द शेफ्ट ट्रांसमिट 7.5 किलोवाट पावर एट 360 RPM। तो यहां से हमें ये फॉर्मूला सबको पता होगा, 2 पाई NT अपॉन 60, ये फॉर्मूला सबको पता है, ये तो पढ़ते ही हो आप लोग, थ्योरी ऑफ मशीन में भी लगाते हो। यस सर, तो इस फॉर्मूले से ये टॉर्क आ जाएगा। अच्छा, इस फॉर्मूले से जो टॉर्क आएगा वो न्यूटन इंटू मीटर में आएगा, उसको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करके न्यूटन इंटू MM में कर लेना। यूनिट का आपको ध्यान रखना है बहुत, क्योंकि जितना भी मेगा पास्कल होता है यूनिट स्ट्रेस की, न्यूटन पर MM स्क्वायर होती है। तो हम जितनी भी यहाँ पर यूनिट लेते हैं न्यूटन और MM में लेते हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से 2 पाई NT अपॉन 60 आ जाएगा और वो 2 पाई NT अपॉन 60 वही है P1 माइनस P2 इंटू रेडियस ऑफ द पुली एट द पॉइंट वन इज इक्वल टू P3 माइनस P4 इंटू रेडियस ऑफ द पुली एट पॉइंट टू। तो एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन इज इक्वल टू टॉर्क, और टॉर्क कहाँ से आ जाएगा, P इज इक्वल टू 2 पाई NT अपॉन 60, यहाँ से टॉर्क आ जाएगा। ठीक है, तो दो इक्वेशन यहाँ से आ जाएंगी, द डायमीटर ऑफ द पुली इज गिवेन,
ठीक है, दोनों का डायमीटर दे रखा है, यानी रेडियस कितना हो जाएगा, पहली पुली का रेडियस हो जाएगा 250 अपॉन 2, 125, और इसका हो जाएगा रेडियस 250। द मासेस ऑफ द पुली आर 10 kg एंड 30 kg, तो यहाँ पर एक एडिशनल फोर्स आएगा, एडिशनल वेट आएगा, यानी 0.1 पे टोटल वेट, यानी 3811, दिस 3811 जो आ रहा है, इट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस वेट ऑफ द पुली, वेट ऑफ द पुली इज इक्वल टू, ये आ रहा है हमारा 3811। तो वेट ऑफ द पुली कैसे निकालेंगे, अगर 10 किलो की पुली है, इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने पुली का जो वेट है वो नेगलेक्ट कर दिया था, लेकिन यहाँ नेगलेक्ट नहीं किया है, 10 kg का अगर है तो वेट कितना हो जाएगा, 10 × 9.81, ये हो जाएगा वेट ऑफ द पुली 1। इसी तरीके से दूसरी पुली जो कि 0.2 पे है, इसका वेट कितना है, 30 kg, तो 30 × 9.81 ये हो जाएगा वेट ऑफ द पुली। बस इतना ही अंतर है न्यूमेरिकल 1 और न्यूमेरिकल 2 में, यहाँ पर वेट ऑफ द पुली दे रखा है, नथिंग एल्स, तो वो हम उसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, P1 प्लस P2 किया था हमने पहले, यहाँ पर P1 प्लस P2 प्लस वेट ऑफ द पुली कर देंगे। द बेल्ट टेंशन एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड एंड द रेशियो ऑफ द बेल्ट टेंशन ऑन द टाइट साइड एंड द स्लैक साइड फॉर ईच ऑफ द पुली, तो यहाँ से दो इक्वेशन आपको मिल गई, दोनों ही पुली के लिए ये जो रेशियो है वो 2.5 है, P1 अपॉन P2, P3 अपॉन P4 इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये हो गई, 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 P1 P2 P3 P4 निकल आएगा, P3 प्लस P4 प्लस वेट ऑफ द पुली एट द 0.2, वेट ऑफ द पुली एट द 0.1, तो इतना हो जाएगा भाई, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, इतना हो जाएगा P1 P2 P3 P4, और वेट ऑफ द पुली निकल आया हमने, इसकी हेल्प से हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लिया। कैसे बनेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भाई, यहाँ देखो इसमें क्या आसान बात यह है, आपको हॉरिजेंटल का कोई चक्कर नहीं है, सब कुछ वर्टिकली लग रहा है, तो एक ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, दो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये तो हो गया आपका सिंपली सपोर्टेड, ये बीम हो गई, ये ओवरहैंगिंग बीम है, ए और बी पे सपोर्टेड है, बेरिंग पे सपोर्टेड है, आर ए एंड आर बी, आर ए और आर बी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी जैसे कि आप लोग मैकेनिक्स में निकालते थे। वेट यहाँ पर लग रहा है 3811 और यहाँ पर लग रहा है 2151, ये 2151 कहाँ से आया, P3 प्लस P4 प्लस WP2 वेट ऑफ द पुली इज इक्वल टू 2151, तो यहाँ से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपने बनाया, तो देखा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर एट दिस पॉइंट सी, तो ये वैल्यू हम ले लेंगे इक्वेशन में। ठीक है, और टॉर्शन की वैल्यू यहाँ से आई जा रही है, टी की वैल्यू इस इक्वेशन से आई जा रही है, एवरीथिंग इज नोन, वी कैन कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द पुली। तो देखो सबसे पहले 2π NT अपॉन 60 से यहाँ पर टॉर्क निकाला, उसके बाद ये सब इक्वेशन लगाई, P1 P2 P1 प्लस P2 प्लस W1 P3 प्लस P4 प्लस W2। ठीक है, उसके बाद हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किया, और MB की वैल्यू देखो 952927, तो ये जो वैल्यू आ रही है 952, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, अगर आपको नहीं आता तो आप इसको लर्न करो, आपका उसका मैकेनिक्स का रिवीजन करो, नहीं तो मुझसे पूछो। 952927 ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, ये यहाँ पर लगा दिया 952927, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। MT मतलब टॉर्क, टॉर्क कितना है, जो कि 2π NT अपॉन 60 से निकला। ठीक है, 2π NT अपॉन 60 से ये टॉर्क निकला न्यूटन इंटू MM में, तो वो हमने यहाँ लगा दिया 198493। डी की वैल्यू हमने निकाल ली, और टाउमैक्स की वैल्यू कैसे निकाली, टाउमैक्स इज इक्वल टू 0.5 ऑफ SYT अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फटीक शॉक वगैरह का कोई भी जिक्र इसने नहीं कर रखा है, तो हम इस तरीके से निकालेंगे टाउमैक्स की वैल्यू। तो टाउमैक्स की वैल्यू हो गई 0.5 SYT अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 63.33, तो ये 60.33 यहाँ से डी की वैल्यू आ गई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है तो बताओ, थोड़ा तेजी से मैंने बता दिया है क्योंकि पिछली बार हमने ऐसा न्यूमेरिकल डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो। इसमें कोई प्रॉब्लम है, पुली P1 P2 कैसे निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़े। बोलो भाई, कोई तो बोलो। स्टूडेंट प्लीज रिस्पॉन्स।
सर आ रहे समझ में या नहीं, फिर से बताऊं? गए सर। ठीक है, तो सेकंड देखो इसमें क्या पूछ रहा है, ये तो पहला पार्ट हो गया। सेकंड इसमें ये पूछ रहा है, इफ द परमिसिबल एंगल ऑफ ट्विस्ट इज 0.5 डिग्री पर मीटर लेंथ, कैलकुलेट द शेफ्ट डायमीटर ऑन द बेसिस ऑफ टॉर्शनल रिजिडिटी। तो पहला पहले पार्ट में तो हमने स्ट्रेंथ बेसिस पे शेफ्ट का डिजाइन कर लिया, दूसरे पार्ट में हमने रिजिडिटी बेसिस पे शेफ्ट का डिजाइन करना है। तो रिजिडिटी बेसिस पे ये एक फॉर्मूला मैंने लिखाया था, थीटा इज इक्वल टू, ये आपको डिजाइन डाटा बुक में भी मिल जाएगा, ये फॉर्मूला आपको डिजाइन डाटा बुक में मिल जाएगा, 584 TL अपॉन GD की पावर 4, वेयर T इज द टॉर्क, L इज द लेंथ, G इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड D इज द डायमीटर ऑफ द शेफ्ट। तो यहाँ देखो G की वैल्यू दे रखी है L, अब L की वैल्यू क्या होगी, 0.5 डिग्री पर मीटर, थीटा की वैल्यू तो हो जाएगी 0.5 डिग्री, L की वैल्यू पर मीटर तो 1 मीटर, 1 मीटर क्योंकि हम लोग सब कुछ mm में कर रहे हैं, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm। तो ये इक्वेशन आप सीधे सीधे लगा दो भाई, थीटा ये थीटा इधर ले गया और डी डी की पावर 4 इधर हो गया, तो यहाँ पर सीधे सीधे इक्वेशन लगा दी, थीटा की वैल्यू 0.5 हो गई और एल की वैल्यू 1000, बाकी सब कुछ गिवन है, तो डी की वैल्यू 41.37। तो बहुत ज्यादा आप देखोगे अंतर नहीं पड़ा, पहले क्राइटेरियन में पहले डिजाइन इंजीनियर ने क्या करा, ये डी की वैल्यू जो है वो स्ट्रेंथ के बेसिस पे निकाली 42.78, और दूसरा तरीका 41.37, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया आसपास ही आया। ठीक है, तो वी कैन सी लार्जर ऑफ द टू वैल्यू इज सिलेक्टेड, तो डी की वैल्यू 42.78 या यू कैन सजेस्ट 43 mm या 44 mm शेफ्ट की वैल्यू हो जाएगी, शेफ्ट का डाया। नाउ रीड दिस क्वेश्चन, हो जाएगा बताओ। क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल, पहले वाला ही क्वेश्चन है, यहाँ पर एक वर्टिकल डायरेक्शन में पुली है, तो P1 प्लस P2 आपको निकालना है, दैट P1 प्लस P2 विल बी इक्वल टू दिस 3600। ऐसे P3 प्लस P4 निकालना है, P3 प्लस P4 इट विल बी इक्वल टू 2000, ये आपका आएगा 2000 और ये आएगा 3600। तो पुली पुली में टेंशन वाला एक फॉर्मूला लगा देंगे और टॉर्शन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, हो जाएगा ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की तरह। द ओनली डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन इज कैलकुलेशन ऑफ टाउ मैक्स, तो यहाँ पर टाउ मैक्स की कैलकुलेशन जरा करके बताओ कितनी होगी। तो यहाँ दे रखा है डिटरमाइन द शेफ्ट अकॉर्डिंग टू ASME कोड, ASME कोड का हिसाब से मतलब ये फटीक शॉक वाइब्रेशन इन सबको कंसिडर कर रहा है, KV और KT की वैल्यू भी गिवेन है, तो टाउ मैक्स की वैल्यू यहाँ कैसे निकलेगी, मैंने बताया 0.3 × SUT, ये निकालो आप 0.3 × SUT एंड 0.18 × SYT, नहीं उल्टा हो गया, ये 0.3 × SYT एंड 0.18 × SUT, जरा कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। देखो बहुत सबसे आसान टॉपिक यही है पूरी मशीन डिजाइन में, दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, नथिंग टू डू विद मशीन डिजाइन, कुछ भी ऐसा नहीं है, नया नहीं है। बस यहां पर देखो दिक्कत क्या आएगी, जब आप लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो आधे बच्चे तो रिएक्शन निकालने में ही गलती कर देंगे। बताओ कितना आ रहा है, 0.3 × SYT, SYT की वैल्यू कितनी है 380 और SUT की वैल्यू है 650, 0.3 × SYT हो गया 380 इज इक्वल टू 114, और ये कितना आएगा 0.18 × SUT,
कितना है, कितना लिखूं? बोलो भाई, कैलकुलेटर है आप लोग के हाथ में, अब कैलकुलेटर चलाओ। डिवीजन मैंने करा दिया, कंसेप्ट मैंने बता दिया, आपको क्वेश्चन करना है। बोलो भाई, अरे कोई कर रहा है नहीं कर रहा है? चलो मैं फिर से ये क्वेश्चन पढ़ा बताऊं आपको। द लाइन शाफ्ट सपोर्टिंग टू पुलीज ए एंड बी, अभी क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहा, पढ़ा होगा आप लोगों ने। ए एंड बी, दीज आर द पुली, दीज आर द बेरिंग। तो जो बेरिंग होता है, बेरिंग पे शाफ्ट सपोर्टेड होती है, बेरिंग पे आप लोग रिएक्शन निकालते हो, रिएक्शन हम निकालते हो, जैसे जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करते थे आप, रिएक्शन दो पॉइंट पे निकालते थे, वो दो पॉइंट वही होते थे जहां पर बेरिंग होती थी। ठीक है, पावर इज सप्लाइड टू द शेड बाय मीन्स ऑफ अ वर्टिकल बेल्ट ऑन द पुली ए, विच इज देन ट्रांसमिटेड टू द पुली बी कैरिंग अ हॉरिजेंटल बेल्ट। बिल्कुल वैसा ही है क्वेश्चन जो पहला न्यूमेरिकल हमने पिछली क्लास में देखा था। द रेशियो ऑफ बेल्ट टेंशन ऑन द टाइट साइड एंड लूज साइड इज 3:1। तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू P3 अपॉन P4 इज इक्वल टू 3। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द टेंशन इन द वेल्ट इज 2.7। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? P1 इज इक्वल टू 2.7। द शेफ्ट इज मेड ऑफ प्लेन कार्बन स्टील, SUT एंड SYT। द पुली आर कीड टू द शेफ्ट, यानी शेफ्ट जो है, शेफ्ट में एक कीवे बना हुआ है। ठीक है, शेफ्ट में कीवे बना हुआ है फॉर इंसर्शन ऑफ पुली, और मतलब पुली और शेफ्ट के बीच में एक कीवे है, उसमें हम की को इंसर्ट कर देते हैं, जिससे फायदा ये होता है कि वो टाइट हो जाता है, मतलब पुली जो है वो शेफ्ट से लूज नहीं होती है, तो इस वजह से हम की लगाते हैं। तो फर्दर अगर कीज है, देन फर्दर टाउ मैक्स इज इक्वल टू, क्या हमने पढ़ा था? अगर कीज अगर लगा रखी है, अगर हमने की लगा रखी है, इफ कीवेज आर प्रेजेंट द एवर वैल्यूज आर रिड्यूस बाई 25%। तो जो भी मिनिमम आ रहे हैं इन दोनों में, उसको हम रिड्यूस कर देंगे 25% से। तो विच वन इज मिनिमम? दिस 114 इज मिनिमम। तो फर्दर टाउ मैक्स इज इक्वल टू 25% रिड्यूस करेंगे, यानी 75% ऑफ 114। तो कितना आएगा बताओ भाई, कितना आएगा? 0.75 × 114। कोई भी कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा है? 85.5 85.5, ठीक है, न्यूटन पर mm². तो हमें मालूम है अल्टीमेटली हमें इक्वेशन कौन सी लगानी है। टाउ मैक्स इज इक्वल टू, टाउ मैक्स इज इक्वल टू 16 अपॉन π d³ अंडर रूट mb². अच्छा एक चीज और दे रखी है, ASME कोड के हिसाब से कर रहा है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई दिस टू फैक्टर, यानी हमें इक्वेशन जो लगानी है इसको मल्टीप्लाई करना है kb × mb² प्लस kt × mt। mt कह लो या टॉर्क कह लो, mb मतलब बेंडिंग मोमेंट एंड mt मीन्स टॉर्क, ये इक्वेशन लगानी है। ठीक है, एज पर ASME कोड, एज पर ASME कोड वी हैव टू पुट दिस इक्वेशन वेयर कैलकुलेशन ऑफ टाउ मैक्स इज लिटिल बिट डिफरेंट। अर्लियर हमने टाउ मैक्स जो देखा था, दैट वाज 0.5 × SYT यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बट हेयर व्हेन वी आर डिजाइनिंग द शेफ्ट एज पर ASME कोड, द टाउ मैक्स कैलकुलेशन इज लिटिल बिट डिफरेंट। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं, विच एवर इज मिनिमम, अगर शेफ्ट में कीवे प्रेजेंट है देन वी फर्दर रिड्यूस इट 25%। ये बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर हो गया? अब हो जाएगा सवाल ये? नाउ इन दिस क्वेश्चन
टॉमेक्स इज 85.5, टॉमेक्स इज 85.5, ठीक है। टी की वैल्यू आ जाएगी, एम टी की वैल्यू निकल आएगी। वाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ पी वन एंड पी टू, पी वन एंड पी टू यहां से आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? पी वन और पी टू तो आपको पता है 3, और पी वन की वैल्यू है 2.7, तो पी टू की वैल्यू आ जाएगी पी वन माइनस पी टू इंटू आर वन में, अंदर रेडियस ऑफ द पुली वन इज इक्वल टू टी। तो ये जो टी निकल के आएगा दिस इज नथिंग बट एम टी, और वो एम टी यहां पर आ जाएगा। के बी और के टी की वैल्यू ही पता है, सॉरी के बी और के टी की वैल्यू ही पता है। सारी की सारी जो मेहनत है वो एम बी यानी बेंडिंग मोमेंट निकालने में करनी है इस तरीके के क्वेश्चन में। तो मैं आपको लास्ट ईयर के पेपर भी खोल के दिखा दूंगा, इसी तरीके का एक क्वेश्चन आना ही आना है, इससे बच नहीं सकते आप। और ये बहुत ही आसान है क्वेश्चन, आप लास्ट ईयर के पेपर मैंने डाल रखे हैं क्लासरूम में, आप लोग ओपन करके देखना, ठीक है। तो ये जो बेंडिंग मोमेंट है इसको निकालने में मेहनत लगेगी। बाकी इस इक्वेशन में टाउ मैक्स भी आ गया, के बी और के टी भी गिवेन है, और एम टी की वैल्यू जब आप पुली की कैलकुलेशन कर रहे होगे पी वन पी टू वहां से निकल आएगी। या तो क्वेश्चन में दे रखा होगा पावर एंड टॉर्क, तो वो 2 पाई एन टी अपॉन 60 का फॉर्मूला लगा दोगे। अगर नहीं दे रखा है तो कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। अगर पुली का क्वेश्चन है तो पी वन माइनस पी टू इंटू रेडियस ऑफ द पुली वन इज इक्वल टू पी थ्री माइनस पी फोर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द पुली टू इज इक्वल टू टॉर्क, टॉर्क यानी एम टी, एम टी जो कि आप इस इक्वेशन में लगा रहे हो। आई होप इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता, आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं पहले ही 2 क्वेश्चन समझा चुका हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। और बेंडिंग मोमेंट की जो कैलकुलेशन होगी इसमें आपको मैकेनिक्स का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, आप ये जरूर कर लेना, करके देख लेना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें रिएक्शन ही नहीं निकाल पाएंगे। ये 3600 तो आ गया पी वन प्लस पी टू, इसमें जब रिएक्शन कैलकुलेट करने की बारी आएगी तो मैं श्योर हूँ क्लास में 3 या 4 बच्चे रिएक्शन भी नहीं निकाल पाएंगे। और जब तक आप रिएक्शन नहीं निकाल पाओगे ये बेंडिंग मोमेंट नहीं निकाल सकते, ठीक है। हो जाएगा, स्किप करूं अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला देखूं। क्या निकल जाएगा बेंडिंग में? बेंडिंग मोमेंट निकालना है इसमें, बाकी इस क्वेश्चन में और कहीं से कहीं तक कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। जो गलती होगी वो बेंडिंग मोमेंट निकालने में ही होगी, उससे पहले जो गलती होगी वो रिएक्शन निकालने में होगी। रिएक्शन अगर आपने सही निकाल दिया तो क्वेश्चन हो गया। उसका मैं एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, मैंने इसको अभी डिस्कस नहीं दिया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ भी दिक्कत नहीं है। देखो ये रिएक्शन की डायरेक्शन देखो आप, ये रिएक्शन की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। और आप लोग जनरली क्या करते हो, रिएक्शन आप किस तरीके से लोगे? हाँ ठीक है चलो, वो 2.55C इसने नीचे की ओर लिया है, अगर आप ऊपर की ओर लेते तो रिएक्शन इस तरीके से आ जाती है। मतलब जो भी है आप अपने तरीके से निकालना, कई बार होगा कि रिएक्शन नेगेटिव भी आ सकती है, इसके अगले वाले क्वेश्चन में आएगी, इसमें नहीं है। तो वो आपको ध्यान रखना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से रिजल्टिंग बेंडिंग मोमेंट लगा के शेफ्ट का डायमीटर निकालना है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले हमने कैलकुलेशन करी, 114 इज मिनिमम, 114 को 75% से मल्टीप्लाई कर दिया, 85.5 आया। पी वन पी टू पी थ्री पी फोर हमने निकाल लिया, पी वन पी टू पी थ्री, ये देखो ये वाली इक्वेशन हमने लगाई, पी वन माइनस पी टू इंटू आर वन इज इक्वल टू पी थ्री माइनस पी फोर इंटू आर वन। तो यहाँ से हमें पी वन पी टू पी थ्री पी फोर सबकी वैल्यू निकल आई, तो ये टॉर्क की भी वैल्यू आ गई, ऑब्वियस ही बात है टॉर्क की भी वैल्यू आ गई। तो एम टी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और टॉर्शन मोमेंट आपको पता, सॉरी ये इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाल लिया एट द पॉइंट ए, इन्होंने ए पे निकाला है, आप ए पे और बी पे दोनों पे निकाल लेना, मतलब दोनों ही पुली के रिस्पेक्ट में निकाल लो, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैक्सिमम कहाँ पर है वो पता चल जाएगा।
ये यहाँ पर लगा दिया, एमटी की वैल्यू यहाँ लगा दी, केवी और केटी रख दिया, टाउमैक्स की वैल्यू 85.5 रख दी, टी की वैल्यू आ गई 42.53। ये हो गया आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है आपके एकेटीयू में आया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर इस क्वेश्चन में बस अंतर ये है, अभी तक शेफ्ट के ऊपर पुली माउंटेड थी, नाउ इन दिस क्वेश्चन गियर्स आर माउंटेड। अभी तक जो पुलिस माउंटेड थी इससे पहले वाले क्वेश्चंस में, नाउ इन दिस क्वेश्चन गियर माउंटेड है। बाकी इस क्वेश्चन में कोई भी अंतर नहीं है, बल्कि और आसान है क्वेश्चन ये। ठीक है, एज कंपेयर टू प्रीवियस वन दिस क्वेश्चन इज इजी। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, द लेआउट ऑफ एन, देखो जितना मैं मशीन डिजाइन में बताता हूँ आपको, जितना लेंदी क्वेश्चन होगा उतना आसान होगा। होता क्या है, लेंदी क्वेश्चन और डायग्राम देख के बच्चे डर जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जितना लेंदी क्वेश्चन है, जितना लेंदी क्वेश्चन मतलब जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन गिवेन है उतना क्वेश्चन आसान होगा। अगर क्वेश्चन में बस केवल ये लिख दिया डिजाइन ऑफ द शेफ्ट और उसका मटेरियल दे दिया बस, मतलब इंफॉर्मेशन अगर कम है तो वहां पर आपको लॉट्स ऑफ एजम्पशन करने हैं। ठीक है, और जो एजम्पशन करने हैं वो डिजाइन डाटा बुक देख देख के करने हैं, तो इसमें तो और ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको, बार बार डिजाइन डाटा बुक ओपन करनी पड़ेगी। तो जितना छोटा क्वेश्चन होगा उतना टफ होता है, उतना लेंदी होता है, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना आसान होता है। तो आप देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है, ध्यान से पढ़ो पहले क्वेश्चन को। द लेआउट ऑफ एन इंटरमीडिएट शेफ्ट ऑफ अ गियर बॉक्स सपोर्टिंग टू स्पर गियर बी एंड सी, यानी ये जो बी और सी जो है वो स्पर गियर है। आपको देख रहा है कि बी बड़ा है और सी छोटा है। द शेफ्ट इज माउंटेड ऑन द बेरिंग ए एंड बी, ए और बी पे माउंटेड है, शेफ्ट जो है वो ए और बी पे माउंटेड है, यानी ए पे रिएक्शन आएंगी अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट अगर डी है तो डी पे रिएक्शन आएगी। लेट अस से दिस इज आर ए एंड आर डी। ठीक है, द पिच सर्किल डायमीटर ऑफ द बी एंड सी आर 900 एंड 600, तो बी का जो पिच सर्किल डायमीटर है वो 900 है और सी का जो सी जो है वो दिख भी रहा है आपका छोटा है, सी का जो पिच सर्किल डायमीटर है वो 600 mm है। द मटेरियल ऑफ द शेफ्ट इज Fe580 हुज SUT अल्टीमेट स्ट्रेंथ है 770 और SYT है 580। द फैक्टर ऑफ KB एंड KT, देखो ऑब्वियस सी बात है जब KB और KT का जिसने जिक्र किया इसका मतलब हम जो डिजाइन कर रहे हैं वो ASME कोड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, यानी हम फटीक शॉक वाइब्रेशन को कंसीडर करते हुए कर रहे हैं। ठीक है, डिटरमाइन द शेफ्ट डायमीटर यूजिंग ASME कोड, अज्यूम दैट गियर्स आर कनेक्टेड टू द शेफ्ट बाई मीन्स ऑफ कीस। तो सबसे पहले तो जरा मुझे टाउ मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, बताओ मुझे टाउ मैक्स की वैल्यू क्या होगी। एवरीवन टेल मी द वैल्यू ऑफ टाउ मैक्स। कैलकुलेट करके आंसर बताओ। 0.3 ऑफ 30% ऑफ द SYT और लेंगे हम 18% ऑफ द SUT 770, और जो भी आंसर आएगा फर्दर उससे रिड्यूस कर देंगे 75%। बताओ कितना आ रहा है, 0.3 × 580, ये बताओ कितना आया। 174 174। ठीक है, 0.18 × 770, 0.18 × 138, 138। तो विच वन इज मिनिमम, 138.6, तो 138.6 जो भी मिनिमम आ रहा है उसका हमने 25% और रिड्यूस करा, यानी 75% से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इनटू 0.75, तो 103
0.95, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा टाउ मैक्स। अल्टीमेटली हम टाउ मैक्स क्यों निकाल रहे हैं, हमें ये वाली इक्वेशन लगानी है, टाउ मैक्स अपॉन 60 इज इक्वल टू 16 अपॉन पाई डी क्यूब अंडर रूट के बी। तो यहाँ पर के बी दे रखा है तो हम के बी कंसिडर कर लेंगे, अदरवाइज ये बन हो जाता के टी इंटू एम टी का स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में हमें टाउ मैक्स पता चल गया, पहला स्टेप स्टेप नंबर वन हो गया। डी इज अननोन, के बी पता है, के टी पता है, एम टी और एम बी निकालना है। एम बी कैसे निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के हम निकालेंगे, ठीक है। और एम टी की वैल्यू क्या होगी, देखो अभी तक तो हम पुली के केस में क्या कर रहे थे, पी वन माइनस पी टू इंटू आर वन। गियर के केस में और आसान होगा, गियर के केस में क्या है देखो और ध्यान से सुनो, गियर का पहला क्वेश्चन है, गियर के केस में दो तरीके के लोड लग रहे हैं। देखो एक तो लोड लग रहा है ये 4421, बहुत ध्यान से सुनना, ये यूनिट 3 में आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ोगे, यूनिट 3 में गियर का जो चैप्टर है वो बहुत डिटेल में यही सब करना है हमें। तो ये तो कहलाता है हमारा टेंजेंशियल लोड, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन और टॉर्क ट्रांसमिशन ऑफ द टॉर्क, दिस इज पीटी। एक लोड लग रहा है यहाँ पर रेडियल डायरेक्शन में, ये कहलाता है रेडियल। देखो समझ में आ रहा है ना आपको, यहां से डायरेक्शन आपको बहुत ज्यादा क्लियर करनी है। डायरेक्शन देखो फिर से बताता हूं मैं, जो टेंजेंशियली लग रहा है, टेंजेंट क्या होगा, अगर इसमें एक टेंजेंट ड्रॉ करूं गियर की तो ये टेंजेंट टेंजेंशियल लोड होगा। तो जो टेंजेंशियली लग रहा है वो तो हमारा टेंजेंशियल लोड होगा, यानी यहाँ पर टेंजेंशियल लोड कितना है 4421। रेडियल लोड, रेडियल जो अलोंग द रेडियस, जो रेडियस की डायरेक्शन में लग रहा है उसको हम बोल देते हैं रेडियल लोड। तो पी आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1609। एक लोड और होता है एक्सियल, एक लोड, तीन तरीके के लोड होते हैं, रेडियल एक्सियल एंड टेंजेंशियल, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक्सियल लोड हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक्सियल लोड आता है जब गियर हमारा थोड़ा सा एडवांस टाइप का गियर होता है, बेवल गियर होता है, या फिर जहां पर कुछ एंगल कटे हुए होते हैं टीथ में, वहां पर एक्सियल लोड आता है। ये बिल्कुल सिंपल टाइप का गियर है, ये कौन सा गियर है हमारा, स्पर गियर है। तो यहाँ पर कोई भी एक्सियल लोड नहीं आ रहा है, यहाँ दो लोड आ रहे हैं, एक तो टेंजेंशियल लोड आ रहा है और रेडियल लोड आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ भी, इसमें बताओ रेडियल लोड कौन सा है, ये रेडियल लोड हो गया 2413, ये रेडियल लोड हो गया और ये टेंजेंशियल लोड हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही है यहाँ भी, जैसे हमने मतलब एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम हॉरिजेंटल डायरेक्शन में बनाएंगे और एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम वर्टिकल डायरेक्शन में बनाएंगे, एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम वर्टिकल डायरेक्शन में बनाएंगे और एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम हॉरिजेंटल डायरेक्शन में बनाएंगे। नाउ टॉर्क की कैलकुलेशन कैसे होगी, दिस टेंजेंशियल लोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्क। तो इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी, आप देखो पीटी टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क को मैं एम टी से ही शो कर रहा हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू लोड इंटू डिस्टेंस होता है, लोड हो गया पी टी इंटू डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस, डिस्टेंस टू द सेंटर लाइन ऑफ द शेफ्ट। ये कितना है, यहाँ देखो पिच सर्किल डायमीटर दे रखा है 900 एंड 600, तो इंटू 900 डिवाइडेड बाई टू। तो पी टी टेंजेंशियल लोड फॉर द गियर बी, इट इज ऑल्सो इक्वल टू टेंजेंशियल लोड फॉर सी इंटू, यहाँ पर रेडियस देखो कितनी है, इसकी रेडियस है 600, डायमीटर है 600 डिवाइडेड बाई टू। तो जरा मुझे कैलकुलेट करके बताओ एम टी कितना आ रहा है और क्या बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। दिस इज 4421 इज इक्वल टू पी टी टेंजेंशियल लोड फॉर द गियर बी एंड दिस इज 6631 इज द टेंजेंशियल लोड ऑन द गियर सी। तो जरा उसकी कैलकुलेशन करके बताओ, कैलकुलेशन करके बताओ क्या बराबर आ रहा है, पीटी बी और पीटी सी मैंने बता दिया, पीटी बी 4421 और 6631 बराबर आ रहा है, तो कितना आ रहा है। बताओ कैलकुलेट करके,
भैया क्लास में हो तो क्लास का फायदा उठाओ ना। अगर आप लोग क्लास में हो, दोनों सेम आ रहे दोनों सेम आएंगे। वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। सर। 1989450 4 5 0 पॉइंट भी आ रहा है कुछ? सर पॉइंट नहीं आ रहा सर। ठीक है 1989450 चेक कर लेते हैं कितना है। 1989450 सही आ रहा है। 1989450 तो ये भी आएगा 1989450। तो जैसे कि हमने पुली में किया था, P1 - P2 इंटू रेडियस ऑफ द पुली 1 इज इक्वल टू P3 - P4 इंटू रेडियस ऑफ द पुली 2। इसी तरीके से चाहे आप टेंजेंशियल लोड ये वाला कंसीडर करते हुए टॉर्क निकाल लो, चाहे आप टेंजेंशियल लोड ये वाला कंसीडर करते हुए निकाल लो, इन केस ऑफ गियर दोनों से ही आंसर सेम आएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी वो न्यूटन इंटू MM में आएगा। ठीक है, वी आर टारगेटिंग दिस इक्वेशन, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर में टॉमैक्स हमें पता चल गया, डी की वैल्यू हमें निकालनी है, KB KT हमें मालूम है और MT की वैल्यू भी हमें मालूम पड़ गई। अब जो मेन जो टास्क है इस क्वेश्चन में या इस तरीके के क्वेश्चन में वो है बेंडिंग मोमेंट से MB की वैल्यू यानी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना। तो जरा कैलकुलेट करके बताओ। तो एक मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लूंगा वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, ये मैंने बना लिया वर्टिकल डायरेक्शन में और एक बना लूंगा मैं हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम बना लेंगे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में आर ए और आर डी। अब बताओ मुझे वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से लोड लग रहे हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखो आप अच्छे से मुझे देख के बताओ डायग्राम। वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से लोड लग रहे हैं उसको हम एल्जेब्रिकली सम कर देंगे। देखो एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम बी की बात करें तो 1609 लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, और एक जो लग रहा है 6631 वर्टिकली अपवर्ड। तो क्या करूं, एल्जेब्रिकली सम करूं या माइनस करूं? देखो एरो देखो आप इसमें गियर में ये वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है और ये वाला लोड क्या लग रहा है, वर्टिकली अपवर्ड 6631। ये सब माइनस होंगे सर। माइनस करेंगे यानी डिफरेंस करेंगे, तो डिफरेंस करने के बाद डायरेक्शन कहाँ आएगी, यानी पॉइंट बी, ये पॉइंट बी है, लेट अस से ये पॉइंट बी है, तो डायरेक्शन कहाँ आएगी, ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, वर्टिकली अब अपवर्ड वर्टिकली आनी चाहिए अपवर्ड सर। होगा ना। अब यस बताओ सर। कितनी आएगी, माइनस करो जरा 6631.5 -1609 तो ये आएगी 50 5022.5। तो क्या ये रिएक्शन निकाल सकते हो आप लोग, ये रिएक्शन निकाल के बताओ। ऑब्वियस सी बात है इस रिएक्शन की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी। चाहे तो आप अपोजिट कर लो, चाहे तो आप ये अपोजिट कर लो, आपकी मर्जी है, चाहे तो आप ये अपोजिट कर लो, इसको आप माइनस आर ए कर लो या इस तरीके से लगा लो। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे हो तो ऐसे ऐसे भी अगर करोगे आर ए आर बी, इसकी वैल्यू अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगी। आप कैलकुलेट करके देखो, इसको हटा देता हूं मैं, आप कैलकुलेट करके देखो आर ए प्लस आर डी क्या होगा। इक्वेशन बनाओ आप आर ए प्लस आर डी प्लस 5022.5 इज इक्वल टू 0। नाउ टेक द मोमेंट अबाउट द पॉइंट ए, किसी एक पॉइंट के अबाउट आपने मोमेंट ले लिया क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है आपकी 900 और ये डिस्टेंस कितनी है 900 प्लस 900, ये है आपकी 1800, ये डिस्टेंस है 1800। ठीक है, तो अब बताओ लेट अस से मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, आर ए कोई आर ए आर ए तो 0 ही हो गया, सॉरी 5022 ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज लेट अस से पॉजिटिव मान लिया आपने 5022
पॉइंट फाइव इंटू 900 प्लस आर डी इंटू आर डी ए के अबाउट कितना हो जाएगा 1800 प्लस 900 2700 इज इक्वल टू जीरो। जरा यहां से मुझे आर डी की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। आर डी की वैल्यू ऑब्वियसली बात है नेगेटिव में आएगी सर 2511.25। हाँ आंसर मुझे भी बता 2511.25। तो ये आर डी किसमें आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव? आर डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी ना? यस सर नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आएगी तो जब इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू बताओ आर ए की वैल्यू इस इक्वेशन में देख के बता दो आर ए की वैल्यू क्या होगी। यहाँ इस इक्वेशन में रख दो सर 477 13.75 आर ए की वैल्यू 477 13.75 नहीं ज्यादा हो गई है तो 477 1.3 चेक करो 5022.5 माइनस 2511.25 2511.25 आ रही है। देखो चेक कर लेते हैं इसका आंसर। यस सर वो सर मैंने पॉइंट नहीं लगाया नहीं था गलत हो गई 5.5 में। ओके बहुत बड़ी गलती कर दी भाई इसमें तो ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आई एम सॉरी यहाँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम लोग बताओ मैंने क्या गलती करी। मैंने बेसिक डायग्राम ही गलत बना दिया इसको अब करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बताओ मैंने क्या गलती करी। मैंने क्या किया कोई बताएगा। मैंने ये बेसिक डायग्राम ही गलत बना दिया। मैंने क्या किया 6631 माइनस 1609 कर दिया। क्या मुझे हक था ये ऐसा करने का? क्या मैं ऐसा करने का अधिकार रखता था? भाई 6631 तो लग रहा है पॉइंट सी पे और 1609 लग रहा है पॉइंट बी पे। क्या मैं ऐसा करना चाहिए था मुझे? ये बहुत बड़ी गलती है। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया मैंने भी ध्यान नहीं दिया। पॉइंट बी पे लोड लग रहा है 1609 और पॉइंट सी पे जो लोड लग रहा है 6631। मैंने क्या करा इन दोनों को माइनस करके एक लोड लगा दिया तो बिल्कुल पूरी तरीके से गलत हो गया भाई। ये लोड जो है वो सी का है और ये बी का है तो ये गलती मैंने करी किसी ने ध्यान नहीं दिया है ना। तो यहाँ पर देखो ये इक्वेशन ये टर्म बैठ रही है इस तरीके से होगा ये आर ए प्लस आर बी। आप लोग क्या करोगे इस तरीके से निकालोगे आर ए और आर डी। यहां पर एक लोड लगेगा 1609 और यहां पर एक लोड लगेगा 6631। इक्वेशन चेंज सिक्स सिक्स हाँ अब जो भी है आर ए और आर बी की वैल्यू अपने आप ही नेगेटिव आएगी। तुम्हें नहीं पता कि कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। आप क्या करोगे आर ए प्लस आर बी प्लस 6631.5 इज इक्वल टू 1609। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और एक मोमेंट अबाउट ए ले लोगे 1609 1609। अगर एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लिया 1609 इंटू 900 प्लस ये एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज हो गया ये प्लस में हो गया और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव में हो गया माइनस 6631.5 इंटू 900 प्लस 900 1800 माइनस आर डी इंटू 900 प्लस 900 प्लस 900 इज इक्वल टू दूसरी इक्वेशन ये हो गई। तो इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो यहाँ सॉल्व करके आर ए और आर डी की वैल्यू। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप चेक करना स्क्रीनशॉट ले लो आर ए और आर डी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लोगे उसी तरीके से एक हॉरिजेंटल प्लेन में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालोगे
बी और सी पे जो भी रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट है जो मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 192849 3 ये मैक्सिमम आ रहा है, 198 नहीं सॉरी ये जो 198 इसका और इसका जो है वो अंडर रूट करके देखेंगे, अंडर रूट ऑफ 346 93 121 905 दोनों पॉइंट पे करके देखेंगे, ठीक है दोनों पॉइंट पे, यहाँ पर मैक्सिमम है यहाँ नहीं है मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम है 349620312109053 2296203121 इसका अंडर रूट करके 3498 आएगा, ये 3498327 यहाँ पर लगा दिया, यहाँ से डायमीटर आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस कर लेंगे अगली क्लास में, जो 2 बजे से क्लास है, इसमें अगर कोई डाउट होगा तो वो डिस्कस कर लेंगे आप लोगों से, ठीक है। ओके सर, और कुछ डाउट हो तो बताओ भाई, कोई डाउट हो कोई इश्यू हो।